अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कलरफुल आई मेकअप, जिसमें सबसे पहले मैंने कलर जो अप्लाई किया वो येलो कलर है, फिर ऑरेंज कलर है। येलो पे मैंने ऑरेंज अप्लाई किया और ये कट क्रीज के साइड किया है मैंने। और देखें, दोनों कलर को मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैंने ये पिंक कलर अप्लाई किया है, पिंक कलर देखें, और नीचे बाद मैंने पिंक कलर अप्लाई किया, फिर इसके वही कट क्रीज के साइड, और फिर मैंने पर्पल कलर अप्लाई किया और यूँ मैंने ये कट क्रीज वाला एरिया पूरा कलरफुल बना दिया। फिर इसके बाद मैंने कट क्रीज की, ये देखें, मैंने कट क्रीज करने के बाद देखें इसको एडजस्ट किया फिर अच्छी तरीके से। फिर मैंने वाइट कलर लिया और उसको मैंने आईब्रो के नीचे और ना कट क्रीज जो की थी उस पर अप्लाई किया है। इसके बाद अप्लाई करने के बाद मैंने ये देखें पर्पल कलर जो है ये मैंने आई के आउटर कॉर्नर के साइड इसको मैंने आईलाइनर के तौर पे लगाया और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया। फिर इसके बाद मैंने पिंक कलर अप्लाई किया है। जब मेरे पर्पल कलर अच्छी तरीके से लग जाएगा तो मैं इसके ऊपर पिंक कलर अप्लाई करूँगी। फिर ये पिंक कलर मैंने पर्पल कलर के ऊपर अप्लाई किया है। फिर इसके बाद मैंने इन दोनों कलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। करने के बाद मैंने इसको दोनों कलर को ये देखें सेम ऊपर की तरह मैं कर रही हूँ, मगर मैं इसमें येलो शेड नहीं दे रही हूँ। फिर मैंने ब्लैक कलर भी दिया है आई के आउटर कॉर्नर के साइड, क्योंकि वो हमें डार्क चाहिए होता है थोड़ा। इसको मैंने अच्छी तरीके से करने के बाद इसको बिल्कुल ब्लेंड कर देना है। और इसके ऊपर मैंने देखें पिंक कलर लगाया है। बस ये मेरी आई कम्प्लीट हो चुकी है एक तरह से, और थोड़ा बहुत जो टचअप है वो देती रहूँगी मैं साथ साथ। जो मुझे लाइट लगता है मैं उसको सही करती रहती हूँ। जैसे ये मुझे आउटर कॉर्नर ज़्यादा लाइट लग रहा था तो मैंने ब्लैक कलर लेके उसे डार्क किया है। फिर ये देखिए मैंने ग्लिटर अप्लाई किए हैं। फिर ग्लिटर लगाने के बाद मैंने इसको जो है ना ग्लिटर पाउडर भी अप्लाई कर दिया उसी पे, मुझे लाइट लग रहा था तो देखें ये कलर कितना अच्छा हो गया। और इसके बाद मेरी अभी आई कंप्लीट हो गई। मैंने आईलाइनर लगाया और आईलैश लगाए। गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएँ, फ्रेंड्स लाइक करके और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा आई मेकअप कैसा लगता है। ओके, टेक केयर, बाय।